देश में किसी को ये बात कहने का अधिकार तो है नहीं कहीं। अकबर कोरोना किसानों की वजह से बढ़ रहा, अरे किसानी तो अन्नदाता, किसानी फसल पैदा कर रहा, किसानी अन्न पैदा कर रहा, उसी की वजह जोन से वे कह रहे कोरोना उनका कल को कट्ठा का बाकी बात है गारंटी। कोरोना भी चलू कर दर मुझे कोई रोक दिखाओ मैं चलूंगा ना, मुझे कोरोना बिगाड़ने का कुछ, क्योंकि नियम में कानूनन बात है, लोकतांत्रिक देश है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, दैट्स ऑल राइट, डोंट वरी, दिस नो आई डू नॉट माय हैबिट एवरीथिंग समथिंग टाइम मोस्ट वेलकम, बाद में बात करता हूं। यो लॉकडाउन लगा वो कहां को निकल के जाएगा, जोन सा लॉकडाउन लगा होगा वो कहां को जाएगा मुझे बता दिए। आंदोलन कैसे चलाओगे? आंदोलन तो चल चलता रहेगा, तो आनी पाएगी फिर बाहर से पब्लिक झुकी तो आओगी। आपने 26 जनवरी में देखा होगा महान आंदोलन था इस देश का वर्ल्ड का, तो पब्लिक तो ये बुला ले, ये आ जाएगी वो फसल छेड़ के ही आ जाएगी, ये डाल की पब्लिक है। आप अभी गौशाला की बात कर रहे थे, गौशाला बनवा दो गौशाला, हाँ जा, हाल ही में जो देखने को मिला वहाँ गौशाला की हालत भी बहुत बुरी थी, कई गाय वहाँ पे मरी हुई थी गौशाला। देखो तो लाचारी है आप, गांव को आप नहीं मार सकते, हम नहीं मार सकते, उनकी पूजा कर सकते हैं तो उनका तो सम्मान सर्वोपरि है। 33 करोड़ देवी देवता गौ माता के पास होते हैं, 33 करोड़ देवी देवता, आप अजमा लेना, देख लेना घर में चारा डाल के पानी पिला के गौ माता को, तो 33 करोड़ देवी देवता गौ माता के पेट में वास करते हैं। ये मैं यही तो कहूँ, ये जो व्यापारी वर्ग है ये थोड़ा सा शर्म में आ जा, इंसानियत को सलाम रहेगा, इंसानियत थोड़ी अगर है तो उसे थोड़ा सलाम रहेगा, बाकी इंसानियत नहीं होगी तो नहीं रहेगा। अब ये किसानों पर ही तो फर्क पड़ रहा है सारा का सारा, खेत में घर पे हर जगह गाँव सरकारी सांड फिर रहे, वहाँ आपस में किसान भाई आपस में दुखी होते हैं, एक दूसरे खेत में गाँव जाके, तो गौशाला बनवा दो, उनकी व्यवस्था कर दो, इनके रोजगार दे दो, जनता के काम छूट गए, बहुत जनता के रोजगार खत्म हो गए, रोटियां तक नहीं है उन्हें, कोई बच्चे नहीं पढ़ रहे, दे पैसा काफ़ी है देश में, पैसे की कमी नहीं है, जितना मशीन वहाँ गवर्नर पर रखी हुई है वो पैसा छापने की, उससे पैसा छापो, जितना गोल्ड होता है वो चंद्रशेखर ने गिरवी रख दिया था, वो मना क्यों कर रही है, उस पर कितनी कितनी तनख्वाही होती है, 16,000 करोड़ अमेरिका को कर्जा देने पैसा काफी है, वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं हमेशा, सभी सरकारें जो सीट पे बैठ जाती है ना जाकर वो झूठ बोलती है हमेशा, क्योंकि स्वार्थ इतना ही लालची हो जाता है, A to Z वो कोई भी हो। हम चाहते हैं अगर इस देश के अंदर कोई भगवान ने ऐसी शक्ति दी वो इस देश को सूक्ष्म समृद्ध विकासशील बना दे देश में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि किसानों की वजह से बढ़ रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? हमारी क्या राय है जी, कौन कह रहे हैं किसानों की वजह से बढ़ रहा है? सारे लोग कह रहे हैं, बहुत गलत कह रहे, तो बता भाई, देश में किसी को ये बात कहने का अधिकार तो है नहीं कहीं। अकबर कोरोना किसानों की वजह से बढ़ रहा, अरे किसानी तो अन्नदाता, किसानी फसल पैदा कर रहा, किसानी अन्न पैदा कर रहा, उसी की वजह जोन से वे कह रहे कोरोना उनका कल को कट्ठा का पक्की बात है गारंटेड। हाँ, अब आगे आपका क्या प्लान है? हमारा प्लान शांति प्रिय ढंग से MSP पे बिल बन जाए, कानून बन जाए, सारी फसलों के दाम हो जाए। अब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अब लॉकडाउन लगेगा तो क्या होगा? लॉकडाउन में पहले लगा था, हम जब नहीं रहे थे ना फिर रहने गए। नहीं, आप जब नहीं थे जब पहले लॉकडाउन लगा था, मैं ऋषिकेश से पैदल 4 चक्कर लगाए थे दिल्ली तक पैदल, ऋषिकेश रहे होंगे ना, यहाँ पे आंदोलन तो नहीं चल रहा। अब कोरोना भी चलू कर दर मुझे कोई रोक दिखाओ मैं चलूंगा ना, मुझे कोरोना बिगाड़ने का कुछ, क्योंकि नियम में कानूनन बात है, लोकतांत्रिक देश है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, दैट्स ऑल राइट, डोंट वरी, दिस नो आई डू नॉट माई हैबिट एवरीथिंग समथिंग टाइम मोस्ट वेलकम, बाद में बात करता हूँ। लोकतांत्रिक देश बताया मैं ये, हर एक इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार है कानून के अंदर, संसद के अंदर। अगर ये यहाँ किसी मंत्री को भी कोई वोट ना दे, कोई भी नागरिक, तो ये शून्य होते हैं, इनकी भेजे खराब हो जाते हैं सीटू पर बैठ के भेजे। हाँ, तो इस देश के अंदर मैं ये चाहता हूँ ऐसा इंसान समृद्ध बन जाए, मिलजुल का बन जाओ, चाहे वे कुछ चाहे कांग्रेस से ले लो, चाहे मायावती से ले लो, चाहे BJP के हो, कुछ चाहे किसान यूनियन के हो, वे ऐसे हो इस देश को चला लो। कुछ लोग आपको ठरकी दाओगे बुलाते हैं, जो वो कह रहा है उसे मुझे बता दिए भी, जब बस नको यही वो कह रहा था। नहीं, आपने बोला ना कि अलग से दिखाई दिया उसे, ममता बनर्जी से भी मिले हो और काफी नेताओं के नाम लिए आप। हाँ, सभी से मिला, मैं 20 दफा बता चुका, मेरा जन्म से यही काम है, पवन हिंदुस्तानी नाम है मेरा, पवन माने हवा, माज यहाँ कल वहाँ पर तू वहाँ, जो रामचंद्र जी के साथ सेना में रहता था, पवन माने हवा। हर किसी का वर्ल्ड का अर्थ होता है, जो एक वर्ड होता है वर्ल्ड का अर्थ होता है, जैसे PM है,
मोदी हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, आपका जो नाम है आपका कार्य उसी तरीके का है। हवा जो नाम है उसका कार्य हवा का ही होगा, जल है जल का काम जल का ही होगा। आपकी बात मान क्यों नहीं रही सर? दैट्स ऑल राइट। अब वो कमजोरी है उसे बहुत बड़ी स्वार्थ समझ में ना आ रही होगी, स्वार्थ परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर मल्ले भूंगई वेद या शीतल तन तजंत। जैसे चंदन के पेड़ पर हजारों विष लिपते रहते हैं फिर भी चंदन अपनी शीतलता को नहीं त्यागता, तो वे गुण यहाँ राजनीतिक पार्टियों में नहीं रहे। भारत से एक सोने की चिड़िया थी, इन्होंने गुम करते जा रहे, अब नहीं है, अब कहाँ है। जिस देश का किसान ऐसे सड़कों पर भटक रहा हो, आप भी परेशान हम भी परेशान, आप भी सोचते होंगे सुबह निकलते हैं 100-200 रुपए बन गए, चैनल से ये बन गया, क्या जिंदगी है ये कोठिया बिल्डिंग खड़ी है तो यहीं रह जाएगी, हमारा आपके अंदर से शरीर से आत्माएं निकल कर चली जाएगी जिंदगी भर। पहले तो किसानों पे बात भी होती थी लेकिन अब तो किसानों के मुद्दों पे बात भी नहीं, ये बात वही तो इनकी बुद्धि की कमजोरी हो रही। आप इस तरह कब तक बैठे रहेंगे सड़कों पर? बैठे तो जब तक रहेंगे जब तक इनके दिमाग ठीक नहीं होने के। इनके दिमाग आपको लगता है ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल, तपस्या तभी ठीक होंगे, कर्म से भी ठीक होंगे, धर्म से भी ठीक होंगे। लॉकडाउन लगा के आपको ठीक नहीं, यो लॉकडाउन लगा वो कहां गुली कट के जाएगा, जोन सा लॉकडाउन लगा होगा वो कहां को जाएगा, मुझे बता दिए। फिर आंदोलन कैसे चलाओगे? आंदोलन तो चल रहा है, चलता रहेगा, तो आनी पाएगी फिर बाहर से पब्लिक झुकी तो आओगी। आपने 26 जनवरी में देखा होगा महा आंदोलन था इस देश का वर्ल्ड का, तो पब्लिक तो बुला ले, ये आ जाएगी, वो फसल छेड़ के ही आ जाएगी, ये डाल की पब्लिक है। लॉकडाउन लग जाएगा फिर कैसे आएगी? वो नहीं मानती लॉकडाउन पॉकडाउन, वे ट्रैक्टर जोड़ेंगे अपने झट्टे बुग्गी जोड़ेंगे ठे आंदोलन में, नियम तोड़ोगे कहीं का नियम रह गया? नियम तो सरकार तोड़ रही, उनका नियम क्या चूज था भाई? जमीन उनकी, फसल उनकी, वोट उनकी, वोट उनकी, ना तो वो तो नियम में है, ये बेनियम के हैं। वो देश हित के लिए कर रहे हैं अभी, क्या हित कर दिया हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्या कर दिया हित? 2000 रुपए क्विंटल कहीं जाऊं ठीक है कुछ तो पानी चला गया खेत में, किसानों से मालूम है क्या करना पड़ता है, सरफ काट जा गुरेरा काट जा, फसल पैदा करता है उसे मालूम है कितना दर्द है, बच्चे पढ़ाता है उसे मालूम है कितना दर्द है, गाँव भैंस दूध पालता है उसे पता है कितना दर्द है। और ये वकील और ये पुलिस ये कानून बनाते हैं ऐसे इस जनता के खिलाफ, तो ठीक नहीं है। दैट्स ऑल राइट। मैं इस देश के अंदर यही चाहता हूँ कि अब भी समय है, आगे आने वाली पीढ़ी भी यहाँ तक नहीं पहुँचने की। चलिए ठीक है, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए आप क्या करोगे? पूरा देश सक्षम फर्स्ट क्लास डिजिटल तैयार 15 दिन के एक महीने के अंदर लिख कर दूँ सारे तरीके है मेरे पास फर्स्ट क्लास देश बनाने के सारे। आप भी तो झूठ बोलते हो यार, ये पॉइंट कहेगा अपनी नीची मत कर, जब मैं बोल दिया पूरा देश सक्षम तो आप अकेली के साथ लग से बच जाओगे। मैं पहले तो आपकी बता दी आपके कहने से, तब आपके पास डिग्री भी है? डिग्री परमात्मा की डिग्री हो, ये डिग्री तो कागज, ये तो कागज की डिग्री है, तो फूक जा, जो आत्मा की डिग्री है वह किसी पर नहीं फूकती। ऐसी कोई तलवार नहीं संसार के अंदर जो आत्मा को काटता है, आत्मा सबसे बड़ी चीज होती है जो शरीर के अंदर विराजमान होती है, जब आत्मा निकल जाएगी तो आप सबका शरीर मोदी का भी शरीर ए टू जेड शून्य। लोग आप पे विश्वास कैसे करेंगे? विश्वास तो करना पड़े सबको, सब कर लग रहे बढ़िया पे, जब मान लिया पता लग गया टीचर ने पढ़ाई एडमिशन करवा दिया तो आपको पता लग गया टीचर है, तो विश्वास आपको ही हो जाएगा। क्या मुद्दे होंगे आपके? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया, पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, चीन को बर्बाद कर दिया, आपके क्या मुद्दे होंगे? भाई पाकिस्तान चीज तो अलग है, अगर वे मेरे सहन का कुछ बात करेंगे सक्षमता पे तो मैं बात करूंगा। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है पहले हमारे भारत से ही निकल गए थे, इटली बर्मा बंगाल पाकिस्तान उड़ीसा ये सब पड़ोसी देश थे। हाँ, अगर वो उसी इटली तो अलग ही है वो, चल कोई बात नहीं, वे तो ये मुझे मालूम है था ऐसा, यो भी ने भी वही काम कर रहा था है, पर मैं बढ़िया करूँगा, यो भूलेगा मैं नहीं बोलता। आप चाणक्य बनना चाहते हो? चाणक्य ही हो है, मैं चाणक्य नहीं, मैं सुधार पवन माने हवा अंदर घुस का बैठ दम्मा। आपको आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, योगी जी से डर नहीं लगता आपको? किस चीज का? योगी मारे डर जो, हम क्यों डरे उसका भाई? मतलब हमने वोट दे दी हम ही डरे उसका? बहुत बड़ा काम हो गया भाई, वो तो किसी को चाहते हैं अंदर कर देते, किसी को चाहते हैं लुढ़का। हमें करवाइए, मेरा नाम पवन हिंदुस्तानी करवा दी, मजे का सांस ही नहीं आवे सर, करवा दे जी कोई करवा दो। आप ऐसे बोल रहे हो तंग हो जाएगा, जेल में ना डाल दे आप जल्दी करो, मैं पहले भी कह रखा था
पहले भी कहा मैं 5 बिन्ने तो मेरा रिकॉर्ड है बिहार में, तो बड़े बड़े अपराधी में सुनने में आवे मेरे काफी योगी जी के भी प्रति कि उनने बड़े बड़े अत्याचार भी किए, कही आश्रम में ये हुए कही वो हुए कही, मैं फिर भी चलो माफ कर देता हूँ, चलो छोड़ दो सुन दे माया मेरे अग भाई कहाँ है वो उसका आश्रम गुजरात कहा भूल जाऊ मैं बाजी दफा गोरखपुर में गोरखीपुर गोरखीपुर हेरी और सारे को भूल गया मुख्यमंत्री तो पूरा उसका उत्तर प्रदेश का होगा। यार क्या अच्छा कर दिया जब गाय तेरे खेत में बैठ रही है मेरे में बैठ रही है दोनों का लफड़ा बज रहा, क्या अच्छा कर दिया क्या अच्छा कर दिया यार तू भूखा हम भूखे अच्छा क्या कर दिया नहीं वो तो पिछली सरकारों की अपराध मुक्त कर दिया तेरा भला हो जा कौन कर दिया अपराध मुक्त पिछली सरकारों की देन है और पिछली सरकार की क्यों गा रहा है वो पीछे तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दूसरे थे वो अपना कर्तव्य करके दिखाओ ना जिस तरह ऐसा होता ये जनता यहाँ पे बिना बैठती और खुशहाल देश चलता हुआ ऐसे काम करते 70 साल की बिगड़ी हुई स्थिति को सुधार रहे हैं ये जिस तरीके से चल रहा है आप भी समझ रहा मैं भी समझ रहा काम तो अच्छा ही हो अच्छा कुछ नहीं है पिछली सरकारें सही थी पिछली हाँ हमेशा पहले तो इतिहास गवाए पहला ही सब पिछला ही ठीक हुआ बहुत शुक्रिया।